कंती सन्नु की सरस्वती माता उचरावो स्मनवानी भाषा सन्नु के सरस्वती माता उचरावो मनवानी भाषा कंते विराजो विदादा उचराओ सवनी भाषा कंते विराजो विदादा उचराओ सवनी भाषा साडे जो अनबाउनो तारन तोड़े मन को पोती पोता ना जुआ पोते पोताना जोवा ओ वणिया वाणी न खाचा कंते विराजो विदादा उचराओ सवरी भाषा कंठे विराजो हे दादा सवनी भाषा सस्तानी भाषा दुर्प्योगी वपराटा उगाड़े काटा सस्तानी भाषा निर्दोषी वाणी मीठा संस्कारी माधुर शाता निर्दोषी वाणी मीठा संस्कारे मधुरे साता कंटे विराजो विदादा उचराओ सवरी भाषा कंटे विराजो हे दादा उचराओ सवरी भाषा चारित्र बढ़नी ओढ़ संचारे निकड़े लिवाचा चारित्र बढ़नी ओढ़ संचारे निकड़े लिवाचा शिक्षा उच्चरणी आचारी वर्ताओ परमात्र शास्त्र चार उच्चारणी आचारी वर्ताओ परमात्र शास्त्र कंते विराजो विदादा उचराओ सवरी भाषा कंते विराजो विदादा उचराओ सवरी भाषा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद तोरल।
નંબર 1 હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે નાનું હોય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા. હા, જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાય જાય કે કથા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય તોરલ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, દંતેરી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલાવા પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, દંતેરી ભાષા બોલે તો મને વધુ રૂચિ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. અનમ્યુટ, અનમ્યુટ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ કે નપુસક ગમે તે લિંગદારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ કે ચેષ્ટાઓ વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈ નો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. બોલો તોરલ, આપકી સાથ બોલો. જીનાશા, કલ પક્કા કરકે આયેગા. ઓકે જીનાશા, બડી દીદી કી સાથ પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓકે, જય સચિદાનંદ. કેશવાનજી, જય સચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોયે સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવ પણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय चिन्नाय। हम जय सच्चिदानंद। हे राधा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल संस्कार प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे पुत्र श्वेतत्व की वाणी बढ़ पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनु जैन जिनाशा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। हिंदी। जय सच्चिदानंद। हे शुरात्मा दादा भगवान, आप अलग को दक्ष लग है। हे शुरात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट तो दक्ष टेम्पररी है। हे शुरात्मा दादा भगवान, आप रियल दक्ष है। जय सच्चिदानंद। तोरल, आपको आता है गुजराती? गुजराती वाला नहीं, हिंदी वाला ही। हिंदी आती है, हिंदी बोलो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, पूरे अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप प्रिय हो, पूरे रिलेटिव हो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, पूरे टेम्पररी हो। श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे जुदा छो, श्रेया जुदी छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे रियल छो, श्रेया रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे परमानेंट छो, श्रेया टेम्पररी छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उसके बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट प्रेयर किसको आती है? देव आती है आपको? अब कितना दिन से नहीं आए थे, कैसे आता है आपको देव? मैं आता था लेकिन अनम्यूट मतलब नहीं होता था, क्योंकि मैं रिपोर्ट नहीं भेजता इसलिए। ओके बोलो। हेल्दी बॉडी मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली फिट। दादा मुझे शक्ति दो। Okay, study. Who knows the study benefit prayer? Darsal. Jai Sachidanand. Hard work, sincerity and morality in studies will give excellent results, achieve your goal, success and happiness. Dada Bhagwan, aap mujhe shakti do. Okay, very good. Okay, so call. मिनेश दादा ने क्या बताया था, किसको याद है? मोनिका, श्रेया,
खुशी आपने तो समर ही बोला था. ओ आपका हाथ नीचे. ओके श्रेया. हाँ जय सच्चिदानंद. कल मिनेश दादा ने ये बोला था कि हमको खुद को प्रॉमिस करना पड़ेगा जो कि हम भूल नहीं करेंगे और प्रतिक्रमण फिर कर देना. I'm not looking for that. दूसरा क्या मेरे इम्पोर्टेंट बोल रहा था इसको मालूम है. ओके खुशी. सत्साधन डेली करेंगे तो हमारी माइंड को हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होता है बहुत. थैंक यू. वो क्या बोला स्टार्टिंग में क्या बोला. By doing satsadhan daily and sincerely, our mind become more stronger. Okay, thank you. Okay. Yeah, Pune, how come report nahi bhejta hai, only ek din ka report bhejta hai? Maine bheja tha. Only Thursday ka hai, Monday, Tuesday, Wednesday ka kidhar hua? Sunday se start hota hai nahi? Sunday, Monday, Tuesday, kidhar? Or Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, kidhar hai ho? और स्टोर करो ना कंप्यूटर में तो स्टोर होता है ना. यू कैन सेव इट. और खुशहाल आपने तो भेजा ही नहीं है. ओके तो आज सत्साधन यस एंड कलम. ओके हु वांट्स टू स्टार्ट. तोरल Satsadhan, yes, and column, yes. Satsadhan, yes, and then? Column, yes. And what? Column, yes. Column, yes, okay. And? Satsadhan, yes, bola aapne? Haan, yes. Kitna aap satsadhan, kitna hai aapka quota? 24. 24, okay. Or mummy ka? No, okay, yes. No, yes, yes. Okay, so you get a star. Okay, Shreya? हाँ जय सच्चिदानंद. मेरा सत्साधन में यस है और कलम में नो है. मैंने कलम 7 ब्रेक कर दी. कौन सा कलम ब्रेक किया? 7. 7. क्या हुआ था 7 में? मैंने आज खाना छोड़ दिया था थोड़ा. क्यों? मैंने पेट भर गया था तो मैंने मम्मी ने बोला कि अभी नहीं खाना है. मम्मी ने बोला मत खाना कि आपने बोला? नहीं मैंने बोला. तो नो हो गया मम्मी को. मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि ऐसा मत कर पर फिर भूख नहीं लगती. ओके तो मम्मी का ना बोला. ओके दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद. आज मेरा सत्साधन नो है और कलम यस है. मतलब मैंने आज एक भी कलम ब्रेक नहीं किया. ओके दक्ष. और मम्मी की तास तो नो ही है ना दक्ष. जय सच्चिदानंद. मेरा आज सत्साधन यस और मेरी मम्मी से फर्स्ट और सेवेंथ कलम ब्रेक हुई थी. वापिस आपको घर छोड़ के दूसरा घर पे जाने का है क्या? नहीं ऐसे लगता है. अब हर रोज मम्मी के साथ टकराव करते है. हाँ इज इट गुड दक्ष? नो देन यू टू टेल दक्ष हे दक्ष दिस इज नॉट राइट. योर दादाज बच्चे ओके मिस इंडिपेंडेंट
जय सच्चिदानंद, आज सत्सागर में नौ है और कलम में फर्स्ट एंड फोर्थ कलम मैंने आज ब्रेक कर दी थी मम्मी के साथ और यस नो मैंने आज हाँ बोला ना नहीं बोला तो ये सच साधन यस है क्या नो है नो है नो नो no, no, आपको बुद्धू रहने का है ओके करिश्मा हाउ मेनी यस हाउ मेनी नो फोर यस और टू नो है ओके दर्शना अजय सच्चिदानंद आज मेरा सत्साधन यस है और मेरी फिफ्थ कलम मम्मी के साथ ब्रेक हो गई थी आपको तो अभी राजस्थान ही भेजने का ओके पप्पा को बोल लो हमको फोन करे पप्पा को हम बोलेंगे आपको राजस्थान ही बोल जाने का मम्मी का प्रॉब्लम होता है सबको राजस्थान भेजने का है चलेगा दर्शना चलेगा ना नहीं क्यों और दादी माँ तो अच्छी तरह से आपको सब करने देगा जो कुछ करने का स्कूल में नहीं जाने का तो दादी वालों इसका मत जाओ नहीं तो अच्छा है स्कूल नहीं जाने का तो अच्छा रहता है ना केशव दादा हाँ फिर तो मजा आएगा मजा आएगा नहीं फिर तो घर में बैठ के नाचने का क्या क्यों नहीं नहीं तो मम्मी के साथ झगड़ा क्यों करते वो मैंने मम्मा को कहा था कि आज मैं डिनर बनाऊंगी बट उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसमें क्या झगड़ा करने का था उन्होंने पहले ही तैयारी कर दी जब मैंने उन्हें बोला था इसलिए बोला था तो चेंज हो सकता है ना आप तो आपको काम करने का तो नहीं करते तो क्या क्या, क्या पनिशमेंट देता है आप देते हैं आपको क्या आप जो काम करने का होता है वो तो नहीं करते आप जो आपका ड्यूटी है वो तो पजाते नहीं है ओके किशोर दादा आपने सुना अभी बातें करो बच्चे लोग के साथ देखो आपको क्या सोचना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको गुस्सा आ गया मम्मी पे पर सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर आपका आपके ऊपर मम्मी गुस्सा करे या आपका भाई आपके ऊपर गुस्सा करे तो आपको अच्छा लगेगा पहला प्रश्न अपने आप को सबको ये पूछना चाहिए आप तो बोल देती हो कि मैं मम्मी से गुस्सा आ गया इसलिए मैंने मम्मी से नाराज हो गई या मम्मी को मैंने ऐसा बोल दिया या मम्मी को मना कर दिया पर सेम चीज बार बार हमको ये सोचना चाहिए कि कोई अगर दूसरा कोई बंदा या मम्मी या और पापा या भाई लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा अच्छा लगेगा नहीं नहीं तो जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है तो वो दूसरे को नहीं देने का एक नियम है ये हमारा सबसे बड़ा नियम है दादाजी ने सिखाया है कि जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है वो हमको किसी को नहीं देने का अगर आप वही चीज सबको देते रहोगे तो आपको रिटर्न विद थैंक्स होगा ये तो सिंपल लॉ है कि नहीं है आप पहाड़ों पे जाके बोलोगे वहां पर तो आप बोलोगे उधर जाके कि तू चोर है तो उधर से जवाब क्या आएगा चोर है सामने से सेम चीज आएगी ना जो आपने भेजी वहां पर हाँ। तो जो आप किसी को भी कोई भी चीज आपको दोगे कुछ भी दोगे अच्छा दोगे तो अच्छा आएगा तुम बोलोगे तुम राजा हो तो उधर से क्या जवाब आएगा तुम राजा हो तो आप जो दोगे वो ही वापस आएगा ये सिंपल प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमको रोज बैठ के मनन करना चाहिए जब भी हमको मम्मी पे गुस्सा आता है या कभी भी हम कोई भी आज्ञा तोड़ते हैं या कभी भी हम कलम तोड़ते हैं तो वो कलम अगर आपके साथ लागू हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा जब हम दादा से रोज शक्ति मांगते हैं कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो
मेरे से ऐसी तंतीली वाणी ना निकले। तो जब हम दादा से ये शक्ति मांगते क्यों मांगते हैं, रोज हम नवकलम क्यों बोलते हैं, ताकि हमारे से ये रोज मिस्टेक नहीं हो। या तो हम बहुत सीरियसली सिंसियरली या सीरियसली उस कलम को समझते ही नहीं है लगता है। जब हम बोलते हैं कि मेरी वाणी से किसी को दुख ना हो, वो कलम बोलते हैं तो फिर हम सामने से दुख दे देते हैं, तो फिर हमने कलम को तो समझा ही नहीं। या किसी के लिए हमने अभाव तिरस्कार किया कि मम्मी ने आज मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर ये मम्मी तो ऐसी ही है, वो हमेशा ऐसा करती है, तो ऐसा भी आपने थोड़ी देर के लिए भी ऐसा भाव किया तो उसकी रिजल्ट क्या आएगी। फिर आप ऐसा भाव अभाव करके फिर आप सो जाते हो, क्या करते हो, माफी मांगते हो कि नहीं मांगते हो? प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि अगर आपसे कोई भूल हो गई हो तो उसके बाद खूब पश्चाताप करने का, खूब पश्चाताप किए मेरे से ऐसा क्यों हो गया। प्रतिक्रमण दो टाइप का होता है, एक मैकेनिकल प्रतिक्रमण होता है, एक दूसरा हार्टली होता है। और उस हार्टली प्रतिक्रमण में कैसा होता है कि उसमें पश्चाताप होता है, पश्चाताप, अरे मेरे मुंह से ऐसी वाणी निकल गई, मेरी मम्मी को कितना हर्ट हुआ होगा, वो मेरे लिए कितना केयर करती है, मेरे बारे में कितना सोचती है, तो भी मैंने धड़ाक करके उसको ऐसा बोल दिया, गुस्से हो गई मैं, उसका कहना नहीं माना। तो जब हम कलम तोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि हमको भी चैन से अच्छा नहीं लगता है, मम्मी को भी चैन नहीं मिलेगा, उसको भी ऐसा लगेगा ये बच्चे लोग तो रोज कितनी देर जूम पे बैठ के सब सुनते हैं फिर भी ऐसा करते हैं। और फिर इसमें क्या होगा, रजनी दादा का नाम खराब होगा, मेरा आप तो पुत्रों का खराब होगा, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मम्मी पापा हमारे लिए क्या सोचेंगे, ये इतनी देर बैठ के ये जूम पे सत्संग करते, बातें समझते, पर फिर भी ऐसा करते, तो उसको पश्चाताप कैसा होता है कि वो सेम चीज नहीं होनी चाहिए, उसको खरा पश्चाताप बोलते हैं। फिर सेम चीज फिर से हम आप रोज मम्मी से गुस्से हो जाए, मम्मी की बात नहीं माने, खाने पे तकरार करे, खाने में उसमें मिस्टेक्स निकाले, और इतनी सब दादा भगवान की साइंस समझने के बाद बार बार ये तो सोचो कि दादा भगवान के टेबल पे खाना आता था तो दादा भगवान कोई क्वेश्चन करते थे? किस तरह से शांति से टेबल आती थी, पहले भगवान को वो खाने को पहले प्रसाद करते थे, भगवान को प्रसाद चढ़ाने का, फिर प्रसाद करके जो भी हो, चाहे अच्छा हो या कुछ भी नई टेस्ट का हो या कुछ भी हो, भगवान को प्रसाद करके सबसे पहले जब भगवान को प्रार्थना करके प्रसाद करते हैं तो वो खाना सबसे पहले अमृत हो जाता है, फिर अच्छा बुरा तो लग होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप सब मिलके जब थाली टेबल पे आती है तो भगवान को ऐसा अर्पण करते हो? कौन कौन अर्पण करता है जब टेबल पे खाना आता है तो? नहीं, हम करते हैं हर रोज। रोज करते हैं, सभी करते हैं? नहीं। हाँ, तो वो कर रहे का सबसे पहले भगवान को प्रसाद देने का, हे दादा भगवान ये आपके टेबल पे जो, ये मेरी टेबल पे जो प्रसाद आया आप ग्रहण करो, आप इसको ग्रहण करो, तभी मैं इसको, दादा भगवान जैसे ही प्रसाद को ग्रहण करेंगे वो खाना अमृत बन जाएगा। फिर उस समय अच्छा या बुरा का कोई सवाल ही नहीं होता है, या उसमें टेस्ट नहीं आया, खाली अर्पण करने से ही पूरे खाने में टेस्ट आ जाएगा, आपका पूरा अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। दादा भगवान खुद जब टेबल पे प्रसाद आता था तो देवी देवताओं को सबको अर्पण करते थे पहले। जब दादा भगवान जो करते हैं वो हमको सब करने का, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। वो अभी नहीं, आपको नहीं ख्याल आएगा तो बाद में ख्याल आएगा, पर वो करने का जो दादा भगवान ने किया है बिना सोचे करने का, हम ऐसा करते थे, दादा भगवान जो करते थे हम वही करते थे, क्योंकि वो उनको फॉलो करने से हमारा पूरा जीवन दादामय बन जाएगा, जैसे दादा है वैसा बन जाएगा। जैसे दादा केयरिंग थे तो सबके लिए केयरिंग करते थे, हर एक हम सब आप तो पुत्रों को केयरिंग करते थे, सभी महात्माओं का केयर करते थे, किसी को भी ऐसा पूरे जीवन में दादा ने कोई ऐसा एक स्टेप नहीं लिया होगा जिसकी वजह से किसी भी
आपके पुत्र को, महात्माओं को, घर वालों को, संबंधियों को दुख हुआ हो तो कैसा उन्होंने जीवन जिया होगा, आप इमेजिन करो। फुल लाइफ में कभी किसी को भी दुख नहीं हुआ दादा के व्यवहार से। दादा जो कुछ भी करते थे सबको अच्छा लगता था। तो हमको ऐसा जीवन जीना है कि नहीं जीना है? हम सबका ऐसा जीवन होना चाहिए कि आप जिस घर में रहते हो वहां पर जहां पर आपके भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा हो, आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो भी हो, उन सबको आपके प्रेजेंस से खुशी मिलना चाहिए। उन सब आपके प्रेजेंस से सबको आनंद आना चाहिए। आपके व्यवहार से उनके अंदर प्रेम का स्वरूप प्रकट होना चाहिए। तो हम सबको ये ऑब्जर्वेशन करने का कि पूरे दिन के अंदर आप जो कुछ भी करते हो उसकी उसके वर्तन से, उसके व्यवहार से, आपके घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल में है, मम्मी पापा हैं, आपके जो भी रिलेशन में है, सबको आपके व्यवहार से खुशी मिलनी चाहिए। जिस दिन ऐसा व्यवहार हो जाएगा उस दिन आप सबका मैसेज दादा भगवान के पास पहुंच जाएगा और उस दिन से दादा भगवान की आपके ऊपर ट्रिमेंडियस ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। उस ब्लेसिंग को आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएगी। मालूम पड़ा आपको? अब ख्याल आ गया? क्या ख्याल आया खुशी? क्या ख्याल आया? केशव दादा ने बताया कि हमें, हम जो जिस घर में रहते हैं हमारे से सभी को सुखी होना चाहिए, हमारे से दुख नहीं होना चाहिए। तो आप झगड़े क्यों करते हैं बड़ी दीदी के साथ? हाँ वो कुछ कहती है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? आप बड़ी है? नहीं। आप स्मार्ट है? मोर एजुकेटेड है? नहीं। तो आपके पास कुछ है, डिग्री बिग्री है तो दादागिरी कर सकते हैं। डिग्री नहीं है तो क्या करेगा? यू हैव टू लिसन ना, लिसनिंग पार्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, अभी केशव दादा, हमने ये दो प्रेयर आपने सुना, बेनिफिट प्रेयर। तो अभी एक तीसरा भी हम चल रहा है, तो आपको हम क्विज करेंगे। श्रेया, केशव जानी आनंद को टेस्ट देगा कि नहीं? श्रेया ओह हाँ बोलती है, बोलो। दूसरे कौन क्या बोलता है सब? केशव यू आर इन ट्रबल नाउ, सब हाँ बोलते हैं। हाँ मतलब क्या, कौन सी प्रेयर के बारे में? ओके, अभी कौन पूछेगा क्वेश्चन? केशवान जी, we will start the sentence. You have to finish it. कौन सी प्रेयर है? नहीं, we will start a sentence. हाँ. And then you have to finish it. Okay? Okay. कौन सेंटेंस पूछेगा केशव दादा को? Okay. मोनिका जोर से बोलो। जय सच्चिदानंद। By doing satsadhan daily, sincerely and regularly, it will. Regularly? It will. Regularly, it will. And then blank. Aapko blank kar, abhi blank karne ka hai. You have to fill in the blank. Par wo prayer mere ko recollect karna padega sab. Hai bolo na jo aata hai ke by doing satsadhan daily, sincerely, it will. कैसे help करेगा आप लोगों को? वो it will take you to the final your destination. It will connect you to Dada Bhagwan. It will give you a heavy vision for living in the life. It will give you a lot of
energy. It will give you a lot of help you. It will help you in all the work, whatever you are doing. It will enhance your knowledge. It has got tremendous benefits. Okay, abhi to bachche log ke humko do aaya. It will help you increase your energy, enhance knowledge. Bachcho ke liye do hai, dusra hai kisa dada? It will you will get a tremendous blessings from Dadaji. Once you get a blessing from Dadaji, you will get more and more knowledge. Correct? Okay. दूसरा कुछ याद आए तो बोलने का यू कैन हेल्प क्योंकि ओ कल इसलिए मिनेश दादा ने बोला था इट विल मेक योर माइंड स्ट्रॉंग यस तो आज आपने बताया कि यू विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी एनहांस नॉलेज एंड गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम दादा ब्लेसिंग्स या तो जो नो होता है उसको ये कुछ नहीं मिलेगा खुशी मोनिका आई थिंक दक्षिणेश यस था दरअसल नो इताक्षी बा यस ओके ठीक है सब बचा लो ओके कल सत्संग नहीं है ओके तो उसके spend 10 minutes कि आपको ये report लिखते हैं ना right तो को normally सुबह के शाम तक का सब activities होता है right okay तो कल सोचने का और लिखने का कि सुबह उठ के when you get out of your bed किसकी पास आपने help लिया you understand हाँ मम्मी ने उठाया तो मम्मी के पास help ली मम्मी ने चाय दिया जो नाश्ता दिया मम्मी ने टिफिन दिया और आप स्कूल में बाइसिकल में गया बाइसिकल ने वो भी हेल्प है ना बाइसिकल की रिक्शा में गए पप्पा ने ड्रॉप किया व्हाटएवर ओके उधर स्कूल में किसके पास हेल्प लिया आपने देन स्कूल से घर पे आप टीचर ने पढ़ाया हाँ टीचर टीचर ने पढ़ाया उसे लिख सकते हैं हेल्प इज हेल्प ना टीचिंग इज यू गेटिंग हेल्प टीचर इज गेटिंग हेल्प राइट आपको सहेली ने आपको कुछ आप बताया वो भी हेल्प है ना कैसे ऐसे नहीं ऐसे करने का ये सब ऐसे करने का राइट हाँ आपने घर में कोई नौकर है तो उसका भी हेल्प तो लेते हैं ना आप घर साफ करते हैं ना योगा करते हैं किस पे खड़े होते हैं योगा मैट तो योगा मैट का हेल्प नहीं लिया आपने और योगा मैट किधर से आया हाँ अदर से आया एयर में से आया मैट की हेल्प ली और बाद में वो मैट किधर से आए बाजार में हाँ बाजार में आप जाके लेके आए ना नहीं यानी कि बाजार में से लेके घर पे थी तो कौन लेके आया मम्मी और पापा मम्मी पापा वो हेल्प है ना हाँ सुबह आपने कपड़ा पहने वो कपड़ा की हेल्प ली किसने दिया कपड़ा मम्मी ने अभी जवाब नहीं मांगता हमको
मम्मी ने और पापा ने दुकान में से। अब नहीं मांगता है इतना सी बात। You to go through all day and write it down. क्योंकि कल सत्संग नहीं है। Okay? सारा दिन में सुबह उठ के कितनी पास आपने हेल्प लिया और द लास्ट सेंटेंस लिखने का लास्ट में आपने कितना हेल्प आपने किसको हेल्प किया। तो मम्मी को हेल्प किया, मम्मी को गाली दिया, मम्मी को ये बोला, खुशी दीदी को ये बोला, वो हेल्प किया ना दीदी को आपने, दीदी पे कुछ से हो गया तो हेल्प किया है ना, है ना। वो भी लिखने का क्या हेल्प दीदी टू गिव हर समथिंग। ओके नो आई एम सीरियस ना बच्चे लोग, दिस इज व्हाटएवर यू गिव अच्छा और बुरा यू टू राइट डाउन ना। हाँ देखो बाद में एनालिसिस करेगा वो क्या होता है हो रही है तो केशव दादा ने बोला ये दूसरे को हेल्प हैप्पी भी नहीं बन सकते कर सकते। सबके पास हैप्पीनेस लेते हैं, पैसा लेते हैं, मम्मी के पास मम्मी का खाना बना ये सब लेते हैं तो वो हैप्पीनेस भी नहीं दे सकते। वो तो सोचने की बात है यू नो। ओके ओके दक्ष आपको क्या बोलने का। आपको मालूम पड़ा क्या बोलता है? नहीं नहीं समझ में आया। लिविंग और नॉन लिविंग का भी लिखना है हेल्प में। हेल्प में लिविंग और नॉन लिविंग का लिखने का है। नॉन लिविंग का तो हेल्प होता ही नहीं है ना, लिविंग का ही हेल्प होता है ना। ओके पर आपने बोला ये ठीक है लेकिन मैट किधर से आया? तो मम्मी का पापा का पैसा से हेल्प लिया ना आपने। हाँ। मम्मी का पैसा से हेल्प लिया ना, वो मेन इम्पोर्टेंट है यू नो। तो बाद में आपको यू विल बी शॉक जब सब करेंगे ना तो आपको तो चक्कर आ जाएगा यू नो कि आप कितनी पास हेल्प लेता है और आप क्या किसको हेल्प देते है। नेगेटिव हेल्प देता है वो ही आएगा। एनीवे ओके मालूम पड़ गया दक्ष। हाँ वो नॉन लिविंग है बट किधर से आता है वो सब नॉन लिविंग। ओके वो ही हेल्प है ना आपको तो। आपको तो जाके तो नहीं बनाते आते है ना, आपकी पैसा नहीं कमाते जाके लेके आता है। ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। बाद में विल कंक्लूड कंक्लूजन कि क्या आप करते हैं और नेगेटिव हेल्प भी खास लिखने का। खुशी मोनिका हाँ। ओके सब मालूम पड़ गया। हाँ। इतना होमवर्क हो सकता है क्या? नहीं कल तो वो कल सत्संग नहीं है। ओके तो हमको भेजना लिख के। ओके और लास्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट, आपने किधर पॉजिटिव नेगेटिव किया और डोंट क्रिएट मत करना, वो जो होता है वो नेचुरली वही लिखने का सब। हो ओके जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।